Hello everyone, I am Kushi teacher from Paras English School. Today I am going to teach you computer subject and chapter number है 2 Windows और starting Windows है यानी Windows को खोलना. तो मैंने आपको पहले ही वीडियो बताया था अब वो डेफिनेशन दिया है आइकन्स किसको बोलते हैं और टास्क बार जो स्मॉल पिक्चर से दिखाई देती है वो आइकन्स होती है और टास्क बार अबाउट बताया है कि जो बॉटम में होता है डेस्कटॉप के वो क्या के जो होता है द बार होता है द टॉप बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप नीचे जो होता है डेस्कटॉप के वो कहलाता है टास्क बार. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू. अब स्टार्ट मेन्यू क्या होता है यहाँ पर बताया START स्टार्ट मेन्यू. इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम. इन विंडोज जो विंडोज होती है जो खोलते हैं डेस्कटॉप की जो स्क्रीन दिखाई देती है अ लिस्ट ऑफ कमांड्स जो कमांड देता है हुक्म देता है कंप्यूटर को तो क्या कहलाता है स्टार्ट मेन्यू. वो मेन्यू कहलाता है कॉल्ड अ मेन्यू. यानी क्या है स्टार्ट मेन्यू की डेफिनेशन बताई बट क्या होता है पहले इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स जो कंप्यूटर हुक्म देता है आदेश देता है इज कॉल्ड अ मेन्यू. उसको क्या बोलते हैं मेन्यू. तो इन विंडोज A list of commands is called a menu. अपने जाते हैं होटल में मेन्यू जो चार्ट आता है अपने इसको पसंद करते हैं कौन सी डिश खाना है हमें फिर हमें हम उनको जो होता है वेटर को हम ऑर्डर देते हैं. ऐसा है विंडोज में भी है जो लिस्ट ऑफ कमांड क्या कहलाती मेन्यू कहलाती है. तो इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड इज कॉल्ड अ मेन्यू. मू द माउस माउस को घुमाओ माउस पॉइंटर मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन. अब जो स्टार्ट बटन है हम उसको माउस पॉइंटर को घुमाएंगे एंड क्लिक और क्लिक करेंगे द लेफ्ट माउस बटन जो लेफ्ट माउस बटन है वहां क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा यू विल सी अ मेन्यू. जो मेन्यू दिखाई देता है इट इज कॉल द स्टार्ट मेन्यू. वो क्या कहता है कहलाता है स्टार्ट मेन्यू. तो डेफिनेशन वंस अगेन आई रीड दिस डेफिनेशन स्टार्ट मेन्यू. इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ मेन्यू. मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक. क्लिक कर देंगे तो क्या है लेफ्ट द लेफ्ट माउस बटन यू विल सी अ मेन्यू. जो हम स्टार्ट बटन को क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस बटन में बटन पर क्लिक कर देंगे तो अपने को क्या दिखाई देगा मेन्यू. क्या दिखाई देगा मेन्यू और वही मेन्यू क्या कहलाता है इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू. क्या कह देखो यहाँ बताया गया है स्टार्ट मेन्यू यहाँ बताया गया है ना. यहाँ पर देखो ये क्या है स्टार्ट मेन्यू है. ये जो आया है ये लिस्ट जो आई है जो है और कमांड इज कॉल्ड मेन्यू. लेकिन जो मूव करेंगे इसको माउस पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर और क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस बटन पर तो अपने को क्या दिखाई देगा स्टार्ट मेन्यू. जो यहाँ बताया गया है स्क्रीन पर यह है स्टार्ट मेन्यू. देखो मैं बता रही हूँ ये स्टार्ट मेन्यू है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पर क्या है यहाँ बताया गया है द बार जो टास्क बार के जो होता है उसके राइट पर क्या होता है क्लॉक एंड डेट. देखो यहाँ बताया गया है डेट एंड टाइम बताया गया है और जो है जो लेफ्ट साइड है वो क्या बताया गया है स्टार्ट बटन. देखो ये क्या दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन. तो ये क्या है स्टार्ट बटन है लेफ्ट साइड और राइट साइड पर है क्लॉक एंड डेट. क्या बताया गया है क्लॉक एंड डेट. अब ये बताया है स्टार्ट मेन्यू. ये मेन्यू जो अपने जो क्लिक करा है तो क्या आया ये स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू किसे बोलते हैं. इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड इज कॉल्ड अ मेन्यू. पर जब अपने मूव करते हैं माउस पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर और क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस बटन पर तो अपने को क्या दिखाई देता है स्टार्ट मेन्यू. इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम अपने जो है माउस पॉइंटर को उसको प्लेस करेंगे वहां पर उसको अगर अपने रखेंगे तो क्या है एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू दैट
आइटम विल बी हाईलाइटेड, क्या हो जाएगी वो हाईलाइटेड हो जाएगी, वो पूरी दिखाई देगी अपने को, जो भी हमने जो हमको जानना है आइटम, जो भी आइटम हो उस पर हम क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को, उसको प्लेस करेंगे उसके जहाँ उसको जाके वहाँ पर, तो क्या दिखाई देगा, स्टार्ट मेन्यू पर अपने करेंगे तो क्या दे, आइटम अपने को हाईलाइटेड दिखाई देगी, हाईलाइटेड हो जाएगी, इट विल अपियर, दिखाई देती है, अपियर एंड दिखाई देती है विथ अ कलर्ड बैंड, यानी हाईलाइटेड यानी एकदम कलर्ड बैंड में दिखाई, कलर लाइनिंग हो जाती है, एकदम कलर वाली हो जाती है ओवर इट, उसके ऊपर क्या है हाईलाइटेड होना, यानी उसके ऊपर वो अलग ही दिखाई देता है, वो कलर बैंड आ जाता है उसके ऊपर, जो लाइन होती है वो कलर वाली हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हाईलाइटेड, क्या बोलते हैं हाईलाइटेड, तो क्या है कलर बैंड ओवर इट, उसके ऊपर क्या आ जाता है कलर वाली ऐसे लाइन आ जाती है, तो इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम ऑन द स्टार्ट मेन्यू दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड, HIGHLIGHTED लाइटेड, इट विल अपियर दिखाई देगी विथ अ कलर बैंड ओवर इट। अब यहाँ है सब मेन्यू, SUBMENU मेन्यू, सब मेन्यू, LOOK के लुक एट द स्टार्ट मेन्यू केयरफुली, हमें क्या है देखो जो स्टार्ट मेन्यू को ध्यान से देखो केयरफुली, सम आइटम्स क्या है, सम आइटम्स क्या है दिखाई देगी अपने को ऑन इट, ऑन इट है जो उस पर होगी वो आइटम्स दिखाई देगी, स्मॉल राइट एरोज छोटे जो है स्मॉल राइट एरोज में दिखाई देगी, तो लुक एट द स्टार्ट मेन्यू केयरफुली, सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरोज, PLSE प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन वन सच आइटम, अब जो माउस पॉइंटर को कोई भी प्लेस, कोई भी इस पर प्लेस करेंगे इसको लाएंगे इसको वन सच कोई भी आइटम पर लाएंगे तो दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड, वो भी क्या हो जाएगी कलरफुल लाइन बैंड आ जाएगा उसके ऊपर, तो उसको वो क्यों भी क्या हो जाएगी हाईलाइटेड हो जाएगी, एंड यू विल सी तुम देख सकते हो अनदर मेन्यू, क्या देख सकेंगे अपने दूसरा मेन्यू देख सकते हैं, देख सकेंगे दिस मेन्यू इज कॉल्ड सब मेन्यू, ये क्या कहलाएगा सब मेन्यू, तो डेफिनेशन वंस अगेन आई रीड दिस डेफिनेशन अबाउट सब मेन्यू, लुक एट द स्टार्ट मेन्यू केयरफुली, सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट एरोज, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन वन सच आइटम दैट आइटम विल बी हाईलाइटेड एंड यू विल सी अनदर मेन्यू, दिस मेन्यू इज कॉल्ड सब मेन्यू, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन ऑल प्रोग्राम्स, अब क्या है जो माउस पॉइंटर को प्लेस करेंगे ऑल प्रोग्राम्स पर तो क्या दिखाई देगा, यू विल सी अ सब मेन्यू, क्या दिखाई देगा सब मेन्यू दिखाई देगा, इट शोज वो क्या बताता है अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स, क्या बताता है वो सभी प्रोग्राम बताता है, एंड प्रोग्राम फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर, जैसे यहाँ बताया गया है फोल्डर है फोल्डर फाइल है ये देखो, और यहाँ पर प्रोग्राम बताए इसको इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर जो फाइल है उसमें से प्रोग्राम आएंगे और अपने उसको देख सकते हैं, तो ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो होती है और एंड प्रोग्राम फोल्डर्स क्या है अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, तो प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन ऑल प्रोग्राम्स यू विल सी अ सब मेन्यू, इट शोज अ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम
फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। देखो यहाँ फोल्डर है और ये फोल्डर फाइल है और उसके ये प्रोग्राम बताए गए हैं, है ना। ये टीवी स्क्रीन पर ये सब मेन्यू है, ये जो है बताया है, कंप्यूटर जो स्क्रीन है डेस्कटॉप की उस पर जो है ये फोल्डर फाइल है इतने बताइए और इसके फोल्डर जो फाइल है उसके अंदर ये प्रोग्राम आए हुए हैं। तो इसके हिसाब से हमको क्या है, फोल्डर में से फाइल में से ये प्रोग्राम हम क्लिक कर सकते हैं विथ माउस पॉइंटर। अब नेक्स्ट है टू ओपन अ प्रोग्राम, अपने को प्रोग्राम ओपन करना है। क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम, जो प्रोग्राम के नेम हमें जो चाहिए, जो प्रोग्राम जो ओपन करना है वो प्रोग्राम नेम पर हम क्या है क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को, तो वो प्रोग्राम हम इजीली देख सकते हैं कहाँ पर, ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टू ओपन अ प्रोग्राम क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम। इफ यू क्लिक ऑन अ फोल्डर, हम क्लिक करेंगे फोल्डर पर तो क्या होगा, इट विल एक्सपेंड, एक्सपेंड होगा यानी फैलेगा, बड़ा बताएगा, एंड शो यू अनदर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन इट। देखो बताया नहीं मैंने, अपने जो फोल्डर पे अपने क्लिक करेंगे तो उसकी जो फोल्डर फाइल है जो उसमें प्रोग्राम्स अंदर हैं वो क्या है तो अपने को बड़े विस्तार से दिखाई देते हैं, क्या है अनदर जो लिस्ट है वो दिखाई देती है इन इट। फॉर एग्जाम्पल बताया है, इफ यू क्लिक ऑन एसेसरीज, एसेसरीज फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इट विल एक्सपेंड, वो क्या बड़ा हो जाएगा और अपने को क्या बताएगा, टू शो यू द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट, जो उसमें स्टोर किए गए हैं प्रोग्राम वो उसमें अपने को विस्तार से दिखाई देंगे देंगे। ओके तो इफ यहाँ पर है टू ओपन, देखो ये टू ओपन अ प्रोग्राम क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम, हमें जो प्रोग्राम देखना है उसके नेम पर हम क्लिक करेंगे तो हमें वो प्रोग्राम दिखाई देगा ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन पर। इफ यू क्लिक ऑन अ फोल्डर, हम ये फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे, ये सब फोल्डर बताए गए हैं तो क्या है, इट विल एक्सपेंड एंड शो यू अनदर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल example क्या बनता है, एग्जाम्पल, इफ यू क्लिक ऑन एसेसरीज फोल्डर इट विल एक्सपेंड टू शो यू द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन इट। लुक यार, देखो यहाँ पर एसेसरीज लिस्ट बताई गई है ना, ये एसेसरीज लिस्ट है, देखो यहाँ पर ऊपर में भी लिखा हुआ है एसेसरीज, तो ये क्या बताई गई है, फोल्डर फाइल की एसेसरीज लिस्ट यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ आएंगे शटिंग डाउन विंडोज, अभी अपनों ने स्टार्टिंग विंडोज करा था, अब बंद करते हैं तो क्या होता है, शटिंग डाउन विंडो, SHUTTING शटिंग DOWN डाउन विंडोज, शटिंग डाउन विंडोज। नंबर वन, प्लेस द माउस पॉइंटर, कहाँ ले जाने का है, कहाँ प्लेस करने का, उसको कहाँ रखने का है, ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, स्टार्ट बटन जो आया हुआ है टास्क बार पे, एंड क्लिक, क्लिक करना है द लेफ्ट माउस बटन, तो यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू, क्या दिखाई देगा, स्टार्ट मेन्यू। तो नंबर वन है प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन, यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू। नंबर टू है क्लिक ऑन शट डाउन, जब बंद करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, शट डाउन पर लिखा हुआ होता है टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की स्विच है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो क्या है इस तरह शट डाउन हो जाता है। तो टू नंबर में है क्लिक ऑन शट डाउन टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर।
यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर। देखो अपने यहाँ क्लिक करेंगे शट डाउन पर, तो क्या है, जो कंप्यूटर है उसकी स्विच ऑफ हो जाएगी, तो कंप्यूटर ऑलरेडी बंद हो जाएगा। यहाँ लिखा है ना शट डाउन, दिख रहा है ना, तो यहाँ अपने क्लिक करेंगे तो क्या होगा, शट डाउन जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। उसकी स्विच ऑफ करते ही कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ओके, नाउ वी कम ऑन द एक्सरसाइज। अब अपने कहाँ आएंगे, एक्सरसाइज पर आएंगे, जो हम जो अपने स्टार्टिंग विंडोज एंड शट डाउन विंडोज जो अपने देखा है, जो पढ़ा है, समझा है। अब एक्सरसाइज पर आएंगे। हियर नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर वन, हियर नेम द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट में से वर्ड जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वर्ड्स, उसे लेकर हमें जो है नीचे जो ब्लैंक्स दी हुई है अबाउट कंप्यूटर, उसके लिए क्या है, फिलअप करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है, भरना है उसको। नंबर इन ब्रैकेट में क्या है, नंबर वन यहाँ पर टास्क बार, PS के टास्क, BR बार, टास्क बार, START स्टार्ट, ICONS आइकन्स, डेस्कटॉप, DESK TOP टॉप डेस्कटॉप, MOUSE माउस, POINTER माउस पॉइंटर, टास्क बार, स्टार्ट, आइकन्स, डेस्कटॉप, माउस पॉइंटर। नंबर वन द मैन स्क्रीन, अब इसके क्या है नाम लिखना है, टूल्स दिए हैं अपने, इस पर क्या है नाम लिखना है इसके, द मैन स्क्रीन ऑफ विंडोज। जो मैन स्क्रीन होती है विंडोज की, वो क्या कहलाती है, यहाँ से अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आएगा डेस्कटॉप, और राइट हियर हम यहाँ लिखेंगे DESK डेस्क, TOP टॉप डेस्कटॉप, क्या लिखेंगे, डेस्कटॉप। नंबर वन इज द मैन स्क्रीन ऑफ विंडोज, तो क्या आएगा, डेस्कटॉप, DESK अपने यहाँ ब्रैकेट में से लेंगे डेस्कटॉप। नंबर टू द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द विंडोज स्क्रीन, हम जो इस विंडोज स्क्रीन पर छोटी छोटी पिक्चर्स देखते हैं वो क्या कहलाती है, चलो गिव मी आंसर्स, मैंने बताया है अगर अभी यही इस पे ही क्या आइकन्स है और क्या क्या बताया है मैंने, तो जो छोटी पिक्चर्स दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, आइकन्स। सो राइट हियर आइकन्स, ICONS क्या बन गया, आइकन्स, क्या बना, आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द विंडोज स्क्रीन है, तो क्या हो आइकन्स है, क्या है, आइकन्स। नंबर थ्री द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है जो नीचे बॉटम में होता है बार, वो क्या कहलाता है, चलो मुझे फाइंड आउट करके बताओ, इन द ब्रैकेट बोल लाओ, ब्रैकेट में से फ्रॉम द ब्रैकेट, तो वो है टास्क बार, क्या कहलाता है, टास्क बार। सो राइट हियर TASK टास्क, BAR टास्क बार। तो द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज अ टास्क बार, क्या है वो, टास्क बार है। सो राइट हियर टास्क बार। नाउ नंबर फोर द स्मॉल एरो ऑन द विंडोज स्क्रीन, जो विंडोज स्क्रीन पर दिखाई देता है मेन जो है स्मॉल एरो, वो क्या कहलाता है, बताइए मुझे आंसर, हाँ माउस पॉइंटर, MOUSE माउस, POIN POINTER पॉइंटर, क्या बना, माउस पॉइंटर, क्या बना, माउस पॉइंटर, यानी द स्मॉल एरो ऑन द विंडो स्क्रीन इज माउस पॉइंटर। ओके,
Now number 5, the small button on the left hand side of the task bar क्या कहलाएगा? The small button जो होता है task bar के left side पर वो क्या कहलाता है? Give me answer. Start क्या कहलाता है? START start क्या कहलाता है वो? Start. Number 5, the small button on the left hand side of the taskbar is start. Okay. Now number 2, exercise number 2. Exercise number 2, fill in the blanks with the help of the words given in the brackets. अभी ये क्या है, यहाँ भी क्या करना है, वहाँ नेम लिखा है अपने फॉलोइंग हेल्प ऑफ द वर्ड्स, भाई क्या कहलाता है, डेस्कटॉप है, आइकन्स, टास्क बार. अब यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उससे लेकर अपने को ब्लैंक्स को फिलअप करना है. इन ब्रैकेट है सब मेन्यू, स्टार्ट, विंडोज, शट डाउन, मेन्यू. सब मेन्यू, स्टार्ट, विंडोज, शट डाउन, मेन्यू. Now number 1, when you switch, SWITCH, switch on the computer, automatically, क्या हो जाता है? When you switch on the computer, dash starts automatically. जब हम switch on करते हैं computer की, तो क्या स्टार्ट हो जाती है? चलो मुझे आंसर बताओ. मैंने बताया है फर्स्ट में ही, फर्स्ट सीरीज की वीडियो, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट जो वीडियो में बताया है कि क्या स्टार्ट हो जाती है, विंडोज, WINDOWS बना, विंडोज क्या बनेगा, विंडोज. तो क्या चालू हो, क्या खुल जाती है, स्टार्ट हो जाती है, विंडोज. तो क्या है, When you switch on the computer, Windows starts automatically. Now number 2, in Windows, Windows में क्या है, A list of commands is called, क्या कहलाता है, A menu, क्या कहलाता है वो, MENU क्या कहलाता है वो, मेन्यू. तो नंबर 2, इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड मेन्यू, क्या कहलाता है वो, मेन्यू कहलाता है. मैंने आगे भी आपको इसके अबाउट इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो कहलाता है मेन्यू. नंबर 2, इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड मेन्यू. Now number 3, when you click, हम जब क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर को on the dash button, you will see the start menu. तो हम क्या करेंगे, किस पर क्लिक करेंगे, give me answer, बताइए मुझे इसका कौन सा वर्ड आएगा, start, START start. जब हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, तो ये अपने क्या दिखाई देगा, वो स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा. नंबर 3, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू, क्या दिखाई देगा, स्टार्ट मेन्यू. नाउ नंबर 4, ऑन अ मेन्यू, मेन्यू पर जाएंगे क्या होगा, इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम विथ अ स्मॉल राइट एरो, यू विल सी अ डैश, क्या है, अपने मेन्यू पर जाएंगे और ये अपने जो प्लेस पर जो माउस पॉइंटर को जो आइटम पर क्लिक करेंगे, तो विथ अ स्मॉल राइट एरो, तो
अपने क्या दिखाई देगा वहाँ पर, मुझे बताइए आंसर में से, इसमें ब्रैकेट में से, तो ये दिखाई देगी सब मेन्यू, क्या दिखाई देगी सब मेन्यू, एस यू बी एम ए एम ई एन यू मेन्यू, क्या दिखाई देगी सब मेन्यू, एस यू बी एम ई एन यू सब मेन्यू। नंबर फोर, ऑन अ मेन्यू इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम विथ अ स्मॉल राइट एरो यू विल सी अ सब मेन्यू। नंबर फाइव, टू शट डाउन, बंद करेंगे तो बंद करना है विंडोज, विंडोज को बंद करना है तो किस पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन डैश ऑन द स्टार्ट मेन्यू। तो शट डाउन को अगर विंडो क्लिक को विंडो बंद करना है हमें तो किस पर करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पर से किस पे किसको करेंगे तो बंद हो जाएगा। अब क्या रह गया है, शट डाउन, अब शट डाउन है बंद करने पर तो किस पे क्लिक करेंगे, अपने शट डाउन पर क्लिक करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, SHUT शट DOWN डाउन, तो क्या बना शट डाउन, क्या बनेगा शट डाउन। तो यहाँ है फाइव नंबर, टू शट डाउन विंडोज क्लिक ऑन द स्टार्ट मेन्यू, टू शट डाउन विंडोज क्लिक ऑन शट डाउन ऑन द स्टार्ट मेन्यू। अब मैंने ये सब रीड करा है, मैं एक बार फिर से इस एक्सरसाइज में टूल्स के नेम बता दे रही हूँ। नंबर वन, द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज, तो वो होगा डेस्कटॉप, जो मेन होती है स्क्रीन होती है विंडो की वो कहलाती है डेस्कटॉप। नंबर टू, द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द विंडोज स्क्रीन, क्या कहलाती है वो आइकन्स, क्या कहलाती है आइकन्स। नंबर थ्री, द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, जो बॉटम में होता है जो बार वो क्या कहलाता है टास्क बार, टास्क बार कहलाता है। नंबर फोर है, द स्मॉल एरो ऑन द विंडोज स्क्रीन, विंडो स्क्रीन पर जो छोटा एरो होता है वो कहलाता है माउस पॉइंटर, क्या कहलाता है माउस पॉइंटर। नंबर फाइव, द स्मॉल बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार कहलाता है स्टार्ट, इज कॉल्ड स्टार्ट, क्या कहलाता है स्टार्ट। नाउ नाउ नंबर टू ब्लैंक्स में है। नंबर वन, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली, क्या है पहले क्या आ जाती है विंडोज ओपन होती है, तो व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर विंडोज स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। नंबर टू, इन विंडोज अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड मेन्यू, क्या कहलाते हैं वो मेन्यू कहलाता है। नंबर थ्री, व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू। नंबर फोर, ऑन अ मेन्यू इफ यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन एन आइटम विथ अ स्मॉल राइट एरो यू विल सी अ सब मेन्यू, क्या कि दिखता है क्या दिखाई देगा सब मेन्यू। नंबर फाइव, टू शट डाउन विंडोज क्लिक ऑन शट डाउन ऑन द स्टार्ट मेन्यू।